हेलो दोस्तों, ऑटोबुल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जुलाई की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं जुलाई में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए हैं। टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक एक फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। इसमें टिगोर का नाम चेंज करके एक्सप्रेस टी रखा जाएगा। हुंडई एलेंट्रा का एक नया पावरफुल वेरियंट एलेंट्रा एन लाइन को ग्लोबल मार्केट में रिवील कर दिया गया है, जो कि सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलता है। 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 276 bhp की पावर जनरेट करता है और 392 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि 8-speed DCT और 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। किया ने कार्निवल लिमोजिन के 4-सीटर वेरिएंट को ग्लोबल मार्केट में रिवील कर दिया गया है, जो मौजूदा किया कार्निवल से ज़्यादा लग्जूरियस और कंफर्टेबल होने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर की बुकिंग ओपन कर दी है, जो कि आप सिर्फ 500 रुपये में बुक कर सकते हैं, और ओला स्कूटर की 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। बजाज कैलिबर वापस से लॉन्च होने वाली है, क्योंकि बजाज वालों ने कैलिबर का नाम को ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है। बजाज कैलिबर नाम से कोई नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाले है। KTM 250 एडवेंचर को दामों को 25,000 तक कम कर दिया गया है 21 अगस्त तक, जो कि एक ऑफर है क्योंकि एडवेंचर की सेल्स बढ़े। फोर्स ग्रुप का जिसे 2020 के ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था, जो कि अगले 3-4 महीनों में लॉन्च हो सकती है, लगभग 10 से 12 लाख के बजट में लॉन्च होगी। महिंद्रा बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया गया है। बोलेरो नियो को फिलहाल 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, N4, N8, N10, और बोलेरो नियो का टॉप वेरिएंट N10 ऑप्शनल को लॉन्च करना भी बाकी है। अगर आप बोलेरो नियो के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो हमने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना ली है, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फोर्ड फिगो का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट जल्दी लॉन्च होने वाला है। हुंडई वाले एक नई माइक्रो SUV लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम कैस्पर होने वाला है। इलेक्ट्रिक के V1 को रोड पर टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसमें आपको 15.9 किलोवाट की बैटरी मिलेगी, जो 150 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेगी। किया वालों ने किया कार्निवल को ज़्यादा बिकने के लिए 4 लाख तक का कैश डिस्काउंट ऑफर किया है। नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर को रोड पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर पहले ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होगी। सिट्रन की C3 एयरक्रॉस को रोड पर टेस्ट करते हुए देखा गया है, जो अगले साल मतलब 2023 में इंडिया में आने वाली है। XUV700 को पिछले 2-3 महीनों से टेस्ट करते हुए देखा गया है, और महिंद्रा XUV700 को 5 दांसू टीजर लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर मिलने वाले हैं। मारुति सुजुकी फिर से अपना 1.5 लीटर डीजल इंजन देना चालू करने वाली है, जो कि XL7 में मिलेगा 2023 की शुरुआत में। इससे मारुति सुजुकी की सेल्स पर भारी असर पड़ने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन फॉर्चुनर को थाईलैंड में टेस्ट करते हुए देखा गया है। अगले साल के लास्ट तक या 2023 में यह इंडिया मार्केट में आ जाएगी। स्कोडा कुशाक को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी 2000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। यह गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेगी। अल्ट्रोज नेक्सन और हैरियर के डार्क एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सिट्रन ने अपनी C5 एयरक्रॉस को होम डिलीवर करना शुरू कर दिया है। 50 से ज़्यादा शहरों में यह सर्विस शुरू कर दी गई है। महिंद्रा अपने हर कोई गाड़ी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें थार का सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया गया है।